लॉकडाउन के चलते हम सभी बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका मनपसंद चटपटा खाना भी अवॉइड किया जाए। तो आज मैं टेस्टी और चटपटी चना चाट रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप बड़ी आसानी से घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड में डीजी को सब्सक्राइब कर लें और हम चना चाट बनाना शुरू करते हैं। चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप सफ़ेद चने, जिन्हें मैंने रात भर के लिए भिगो लिया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह फूलकर तैयार हुए हैं। अब इसे मुझे कुकर में सीटी लगवानी है ताकि ये अच्छे से बॉईल होकर सॉफ्ट हो जाएं। तो इसका सारा पानी निकाल दें और चनों को एक कुकर में डाल दें। गैस हाई पर सेट रखें। हमने 2 कप चने लिए हैं तो उस हिसाब से मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दें और चनों को हाई गैस पर 2 से 3 सीटी लगवा लें। बस 2-3 सीटी में ही जैसे हमें चाहिए बिल्कुल वैसे चने गलकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये कितने बढ़िया से गल गए हैं। अब चना चाट का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ मैं मसालों का मिक्सर तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक बर्तन में डालें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसका घोल तैयार करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 चम्मच पानी। पानी डालने से मसाले भुनते समय जलेंगे नहीं और इनका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो लीजिए मसालों का घोल बनकर तैयार है। अब तड़का तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में तकरीबन 1/2 कड़छी ऑयल डालें। गैस मीडियम पर सेट रखें। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें डालें 2 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच राई। राई को थोड़ा चटकने दें। अब इसमें डालें 1/2 चम्मच जीरा और इन्हें थोड़ा भून लें। जब ये तीनों थोड़ा भुन जाएं, तब इसमें मसालों का तैयार घोल डालकर उसे भी थोड़ा भुन लें। घोल को तब तक भुनें जब तक मसाले ऑयल न छोड़ दें। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हमारे मसाले भुनकर तैयार है। अब इसमें बॉयल किए हुए चने डालकर मिला दें। चाट बनाने के लिए मैं सिर्फ 1.5 कप चनों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चाट बनाना चाहें तो पूरे 2 कप चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चनों का सारा पानी मैंने पहले ही निकाल दिया था। चनों को मसालों में अच्छे से मिक्स कर दें। जब चनों पर मसाले अच्छे से कोट हो जाएं, तब 2-3 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। अब तैयार चनों को एक बाउल में शिफ्ट कर दें। इसमें डालें बारीक काटे हुए 2 प्याज, बारीक काटा हुआ 1 उबला हुआ आलू, बारीक काटे हुए 2 टमाटर और बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। इस स्टेज पर इसमें कोई भी और मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इसमें मसाले ऐड कर चुके हैं। इसमें बारीक काटा हुआ धनिया डालकर मिला दें, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़िया होगा और चना चाट देखने में भी प्रेजेंटेबल लगेगी। अब इसे मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 चम्मच इमली की चटनी। इस चना चाट को स्नैक के रूप में सर्व करें या डिनर में साइड डिश के रूप में सर्व करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप भी ये चटपटी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ऐसी ही और मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।